केवल एक परमात्मा में श्रद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता सबको पवित्र करने का खुला आमंत्रण देती है। सृष्टि में कहीं भी रहने वाले अमीर अथवा गरीब, कुलीन तथा आदिवासी, पुण्यात्मा और पापी, स्त्री और पुरुष, सदाचारी एवं अत्यंत दुराचारी, सबका इसमें प्रवेश है। विशेषकर गीता पापियों के ही उद्धार का सुगम पथ बताती है, पुण्यात्मा तो भजते ही हैं। प्रस्तुत है उसी गीता की अद्वितीय व्याख्या, यथार्थ गीता का कैसेट प्रसारण। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ द्वितीयो अध्यायः। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव पांडव थे, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है, इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में ये सब कुछ आ जाता है, उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले सभी चाहते हैं कि हम उस परम सत्य को प्राप्त कर लें, किंतु आगे बढ़ने पर वो देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा, तब हताश हो जाता है। वो पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था, उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वो प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है। युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। ये अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सदगुरु के सान्निध्य से पूर्व की अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है, कोई कान फाड़ता है, किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। कोई गोव्रतिक गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई कुक्कुर व्रतिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थीं, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थीं। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उसने चार तर्क प्रस्तुत किए। एक, ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। दो, वर्ण संकर पैदा होगा। तीन, पिंडोदक क्रिया लोप होगी। और चार, हम लोग कुलक्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, संजय उवाच।
तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन मद का विनाश करने वाले भगवान ने ये वचन कहा। श्री भगवान उवाच।